धन वर्षा, वैसे तो अब ये जो धन है ये होना चाहिए बंपर धन वर्षा। आज त्योहार है, धन धान के भगवान धनवंतरी वरदान देंगे, जितने सामान खरीदेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगा। सोना चांदी बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, ये सब आप जानते हैं। इस दिन बर्तन और धातु की खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है, समृद्धि आती है। अब जब इतना कुछ है तो कोई पीछे क्यों हटेगा। बाजार में ऐसी भीड़ उमड़ी, पैर रखने की जगह नहीं, दुकानें ठसाड़स भरी हुई, बाइक और कार की बिक्री इतनी हुई कि शोरूम के मालिक मालामाल हो गए। दुल्हन की तरह सजी दुकान, सोने चांदी के सिक्कों की बढ़ी डिमांड, उनकी डिपार्टमेंट पर लाइटवेट में जाता है, लाइटवेट में जाता है। हर मिनट बिकी 12 बाइक और 5 कार। मिनी मुंबई में सबसे ज्यादा खरीदारी गाड़ियों की हो रही है, हर एक मिनट में 12 बाइक और 5 कारें बिक रही है। धनतेरस का त्योहार, खरीदारी धुआंधार। दूर दूर तक देख लीजिए, बाजार में जहां चलने के लिए जगह न, दुकानों में पैर रखने के लिए जगह। ऐसा लग रहा है पूरा बाजार आज बिक जाएगा। घर घर में गाड़ियां होंगी, फ्रिज होंगे, टीवी होंगे और तमाम तरह के सामान होंगे, क्योंकि देश समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दीपावली से पहले धनतेरस पर व्यापार का बम फूटा है। धनतेरस पर हुई बिक्री के आंकड़े जानकर कानों को विश्वास नहीं होगा और अचंभित होकर पूछेंगे, क्या क्या सच में व्यापार का बम फूटा है। एमपी में करीब 10 से 11 हजार करोड़ का व्यापार, इंदौर में 4000 से ज्यादा कार की बिक्री, मिनी मुंबई में 12000 से ज्यादा बाइक की बिक्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1000 करोड़ का कारोबार, मिनी मुंबई में हर मिनट बिकी 12 बाइक और 5 कार, इंदौर में करीब 2500 करोड़ का व्यापार, भोपाल में बिकी 6000 से ज्यादा गाड़ियां। मिनी मुंबई में इतनी गाड़ियां बिकी कि खजराना मंदिर में पूजा करने के लिए 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई। पुजारी ने पूजा के लिए 11000 रुपए तक की दक्षिणा ली। मिनी मुंबई में सबसे ज्यादा खरीदारी गाड़ियों की हो रही है, हर एक मिनट में 12 बाइक और 5 कारें बिक रही हैं, और अनुमान है कि ये देर रात तक पूरा, जब शोरूम का जो टाइमिंग आज रात 2 बजे तक खुला हुआ है, रात 2 बजे जब तक शोरूम बंद होगा तब तक इंदौर में 1000 करोड़ रुपए का कारोबार हो जाएगा। 4000 गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां बिक जाएंगे और लगभग 12000 2 व्हीलर। इंदौर में कार की खरीदारी में लोगों की दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि एक एक शोरूम में 500-500 कारें बिक गई। कई ऐसे भी रहे जिन्हें धनतेरस पर कार नहीं मिल पाई। इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, बल्कि आज तक का देखा जाए तो ये कोविड के पहले के बिजनेस की रिकवरी है एंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है बिजनेस में। लगभग कितनी गाड़ियाँ आज बिकने का अनुमान है? हम यहाँ पे आज टाटा मोटर्स की 551 गाड़ियों की डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा जी हाँ। और ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो कितनी गाड़ियाँ आज बिकने का अनुमान है? आज इंदौर में करीबन 4000 गाड़ियाँ बिकेंगी कारें। धनतेरस पर बाजार में रौनक ही रौनक दिखी। धनतेरस और दीपावली की खरीदी को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोकल फॉर वोकल को लेकर बाजार में जोर दिखा। उधर भोपाल में भी ज्वेलरी दुकानों में भीड़ नजर आई। मध्य प्रदेश में बात करें तो करीब 10 से 11 हजार करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है और सिर्फ भोपाल में ही 1000 करोड़ का कारोबार होगा। सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो सराफा सेक्टर में होती है, बड़े पैमाने पर ज्वेलरीज की, गोल्ड कॉइन्स की, सिल्वर कॉइन्स की जो खरीदी है वो की जाती है। ये तस्वीरें कह रही हैं कि धनतेरस पर धुआंधार व्यापार हुआ है, बाजारों में धन बरसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अभी अभी तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बारिश होकर गुजरी है और अब धन की बारिश। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, अब जानेंगे किस तरह का ट्रेंड आज बाजारों में नजर आया, क्या हुआ आज बाजारों में, जो रिकॉर्ड कहे गए थे वो टूटे हैं नहीं टूटे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही वो भी हम जानेंगे। वासु आपको नजर आ रहे होंगे, इंदौर से मिथिलेश जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से सुशील और रायपुर से विशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करते हैं सिलसिला वासु आपसे, किस तरह बाजार का सेंटिमेंट देखने को मिला। इंदौर ने तो खैर ऐसा लग रहा था वो कोविड की रिकवरी भी आज ही करके मानेगा, भोपाल में क्या ट्रेंड था वासु? निश्चित तौर पर देखिए, भोपाल के बाजार के लिए भी आज अच्छा दिन रहा और करीब 1000 करोड़ के आसपास कारोबार होने का जो अनुमान है वो आज देर रात तक, इतना कारोबार तक ये सिलसिला जो है वो पहुंच जाएगा।
लोग अपनी व्यवस्था के अनुसार जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए ललित जी, मिट्टी के दिए से लेके सोने चांदी के बिस्किट तक आज सब कुछ बाजार में बड़े पैमाने पर बिका है। बड़े बड़े शोरूम से जहां गाड़ियां खरीदी गई, तो वहीं जो वोकल फॉर लोकल की लगातार बात होती है, तो वहां पर भी लोगों की भीड़ जो है उमड़ी और जो छोटे जो विक्रेता होते हैं उनसे भी जमकर लोगों ने खरीदारी की है। बाजारों में आलम आप समझ सकते हैं, चूंकि यही सबसे बड़ा जो त्योहार होता है खरीदारी का वो धनतेरस का ही होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कदम रखने की जगह नहीं है, दिए से लेके माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की प्रतिमाओं तक सभी चीजें यहाँ पर जो है वो बाजार में बिक रही हैं और लोग बड़े पैमाने पर इनकी खरीदारी करने के लिए बाजार में उतरे हुए हैं। अलग अलग ट्रेंड्स जो है वो बाजार में हर साल आ जाते हैं, तो बहुत ही डेकोरेटिव जो इस बार मूर्तियां हैं वो बाजारों में आई हुई हैं और इसकी जो खरीदारी है वो लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीर में देखेंगे तो जो घरों को सजाने के सामान है वो भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर आए हुए हैं और इनकी भी आज अच्छी खासी जो डिमांड है वो बनी हुई है। मेहंदी लगाने का बड़ा एक चलन होता है, तो आप देखिए तो कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे मेहंदी लगवाने भी पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला भी जारी है, क्योंकि त्योहार होते हैं तो सजने संवरने का भी एक ट्रेंड होता है। बाहर से आने वाले जो दिए हैं उनकी भी जो डिमांड है वो भी यहाँ पे नजर आती है और लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए बहुत हद तक नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये शॉपिंग का भी अपने आप में एक फेस्टिवल होता है। तो ये तस्वीरें भोपाल के बाजारों की है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं, बर्तन से लेकर सोना चांदी और सभी चीजों की जो बिक्री है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नेता तो कहते थे बड़ी महंगाई है, फिर ये पब्लिक कहां से निकल आई है। इंदौर लिए चलेंगे, आर्थिक राजधानी, और उसने दिखाया भी आज ये। मिथिलेश क्या ट्रेंड्स, रिकॉर्ड आज तो सारे आप उड़ा कर ले गए। बिल्कुल सही कहा, सारे एक रिकॉर्ड जो है मिनी मुंबई के नाम है और कारोबार का जो आंकड़ा है 2500 करोड़ का पार कर जाएगा। इंदौर के इस वक्त में बर्तन बाजार में मौजूद हूँ और बर्तन बाजार इंदौर का प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार है। चलिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, सीधा उन्हें से बातचीत करते हैं। खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं और कुछ नई चीज में नजर आ रही है, कितना इंतजार था आज के दिन का, पहले ये बताओ। आज के दिन का तो बहुत ज्यादा इंतजार रहता है हमें, पूरे साल बस यही इंतजार करते कब धनतेरस आएगी, कब धनतेरस आएगी और कब हम घर से बाहर निकलेंगे कुछ खरीदने के लिए। तो क्या पसंद, क्या खरीद रहे आप? बहुत सारी एंटिक चीजें देखी। एक्चुअल में क्या हुआ, हम जल्दी निकले थे सुबह से, पूरा मार्केट छान लिया हमने। बस देखो, एक ये एंटिक चीजें बहुत अच्छी लगी हमको, ये 3600 रुपए की है लेकिन ले ली। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, हमको बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, पसंद आई। जैसे एक ये है, और आप इधर बताइए, देखो कितनी अच्छी चीजें हैं ये एक चीज बारीकी से देख रही है, बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। एक्चुअल में क्या है, हम सनातनी है और सनातनी चीजें पसंद ज्यादा आती है। अब जैसे ये तांबे का लोटा है, तांबे के लोटे से सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएंगे हम, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सबसे अच्छा धन है, तो बस और धन की क्या जरूरत। तो कितने घंटे का समय लेके आए थे आप, क्या शॉपिंग करने में इतने घंटे देने? वैसे हम तो 2 घंटे का समय लेके आए थे, पर हमको 6-6.5 घंटे हो चुके हैं। 6.5 घंटे और मुझे भी 6:30, हम साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, एक एक दुकान छान मारी हमको एंटिक पीछे। ललित आपने सुना कि निकले थे 2 घंटे के लिए लेकिन 6 घंटे हो चुके हैं इंदौर के बाजारों में, एक एक दुकान छान लिया, खरीदारी जमकर होगी और आज इसीलिए इंदौर 2500 करोड़ का आंकड़ा पार भी करने वाला है। वाकई ऐसा लग भी रहा है। और ग्वालियर की हम सनातनी है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने वालों से सामान खरीदें और बस अब बढ़ रहा है, वैसे सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है और ज्यादा बढ़ाएं। ठीक। मैं आपको रोकना चाहूंगा, दरअसल ग्वालियर भी हमें जाना है। सुशील, किस तरह के ट्रेंड्स ग्वालियर के बाजार में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अगर कहे तो धनतेरस पर एक तरह से बाजार में धन बरस रहा है। ये देख सकते हैं कि पूरा ग्वालियर का बाजार इस वक्त रोशनी से सरोबार है, ग्राहकों की भीड़ आप देख सकते हैं और खासतौर पर आज धनतेरस के मौके पर ग्वालियर के बाजारों में सोना चांदी के साथ ही बर्तनों की खरीदारी जमकर हो रही है। आप देख सकते हैं कि बर्तन की दुकानों पर ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ है और इस बार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो व्यापार जगत है उसके लिए भी खुशहाली का ये पर्व बन गया है। आज किस तरह की ग्राहकी है, कैसी ग्राहकी? बढ़िया ग्राहकी है,
क्या है आज इस बार बर्तन कौन कौन से ट्रेंड में जा रहा है? तांबा स्टील पीतल सभी बिक रहा है, तांबा पीतल की मांग ज्यादा है। धनतेरस को मुहूर्त कर रहे हैं, बहने भी है कुछ हमारे साथ। अब बहन जी किस तरह से धनतेरस की आप खरीदारी कर रहे हैं, क्या बर्तन लेने का क्या ट्रेंड है? बस बर्तन लेने का क्या, यही सभी चीजें लेते हैं, चाहे आप इसका लीजिए, तांबे का खरीद रही हूँ, और क्या है, तांबे का लीजिए, स्टील का लीजिए, कुछ भी लीजिए, वही ले रहे हैं हम लोग, और क्या है। बर्तन कितना महत्व है आज बर्तन का? बहुत महत्व है धनतेरस पे बर्तन का, बाजार में भी रौनक, बहुत ज्यादा रौनक है बाजार में। आप देखिए लगातार ये भी है बहने, क्या क्या लेने आई है आप बहन जी? भगोना लेने आए सर। अच्छा, धनतेरस पे? हाँ। आप बहन जी किस तरह से धनतेरस मना रही है आज बाजार? शॉपिंग करके। देखिए ग्राहकों की जो लगातार भीड़ है, आप देखिए पूरे बाजार में, आप देखिए उधर से पूरा बाजार अगर कहें तो रोशनी से सरोबार है, और ग्राहकों की भी लगातार भीड़ जो है बाजारों में उमड़ रही है, और खास तौर पर आज जो धनतेरस का मौका है उस पे सोने चांदी के साथ ही बर्तन की खरीदारी। आप देखिए बाजार कितना सजाया है व्यापारियों ने ग्राहकों के लिए, हर दुकान पर आपको रंगीन रोशनी और सजावट मिलेगी, इसके साथ ही खान पान। आप देखिए देर रात तक, आप ललित जी आपको बता दें कि ये बाजार रात 2 बजे तक चलेगा। आप देखिए यह खाने पीने का भी इंतजाम है, लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आज धनतेरस का पर्व है बहन जी, किस तरह से आप लोग निकले हैं बाजार में? बस हम लोग लेने आए हैं कुछ ज्वेलरी। देखिए लोग जो है खरीदारी के साथ जो बिल्कुल, है बिल्कुल। खाने पीने का लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो धनतेरस के दिन बाजार गुलजार है। बिल्कुल, आप लोग ऐसे ऐसे सीन दिखा रहे हैं कि स्टूडियो छोड़ के कहीं ग्वालियर ना आना पड़े। ठीक ठीक ठीक, अरे रायपुर अब चलेंगे, राजधानी रायपुर। विशु बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विशु किस तरह का माहौल, और छत्तीसगढ़ में तो अलग क्रेज मेरे ख्याल से धनतेरस से लेकर और आगे 2-3 दिनों तक रहने वाला है। विशु दीपावली का त्यौहार आज से शुरू हो रहा है, और आज धनतेरस है जो पहला दिन दीपावली का जो है वो माना जाता है, और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है सड़कों पर। लोग अपनी सजावट के सामान से लेकर बर्तन, कपड़े, सोने चांदी, झाड़ू, यहाँ तक कि जो है वो सभी सामान जो इस त्यौहार को जो है वो बहुत अच्छा कर सकें, उसको इसके लिए जो है वो यहाँ पर भीड़ निकली है। और आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में करीब 1,800 करोड़ का जो है वो पूरा बाजार आज जो है वो हुआ है। आज जो है पहले ही दिन रायपुर में जो है वो इतनी बिक्री हो गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वो सुबह से लोगों की जो है भीड़ निकल कर आई है, लोग जो है वो सामान खरीद रहे हैं। काफ़ी भीड़ होने के कारण भी जो थोड़ी परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है बाजार का हाल, सुबह से क्या है भीड़। तो भैया क्या लग रहा है, कितनी भीड़ दिख रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चाहेंगे कि हर साल ऐसी भीड़ रहे, और इससे ताकत से ज़्यादा पब्लिक को कष्ट तो हो रहा है, पर व्यापारियों का सभी का, सोना चांदी वाले हैं काफ़ी भीड़ है, और कपड़े वालों के यहाँ, मिठाई वालों के यहाँ, सभी के लिए अच्छा लग रहा है, और 2 पैसा सभी के लिए फायदा ही है। और हम तो सोचते हैं कि हर साल ऐसा ही भीड़ रहे, धन्यवाद। तो देखिए ललित, ये ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, और सेहत बनाते चलिए, और उसके बाद जो है वो बाजार में खरीदारी करते भी चलिए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है इस बार भीड़, पिछले मुकाबले इस बार कैसा है? पिछले से इस बार कम है भीड़, अब पता नहीं क्योंकि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था जो है वैसी नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। अभी जो आप खड़े हो रहे हो, पिछले साल तो आप खड़े भी नहीं रह पाते, इतनी भीड़ होती थी, अब ऐसा माहौल नहीं रहा है। तो देखिए ललित जी, मिला जुला असर है, पहले दिन कई कुछ भीड़ है अब, और ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी, और दीपावली के बाद तक जो है वे भीड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सोने को लग रहा था वो 80,000 पार जाकर इतराएगा, अरे ये इंडियन है तब भी खरीद लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बाजार से अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।